पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से मना किया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। यहां पर आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से मना किया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। हाँ, जो नेशनल असेंबली में 60 वुमेन की सीट से और 10 नॉन मुस्लिम्स की है, बाकी प्रोविंसेस में जो सीटें उसको बेस पे इलेक्शन कमीशन ने जो सीट प्रिजर्व रखी थी हमारे लिए सब्जेक्ट टू दियर डिसीजंस, वो सीट्स है 8 वुमेन सीट के पीके असेंबली से जो हमारे आने थे उनके लिए प्रिजर्व कर दी, 12 वुमेन सीट पंजाब से जो आने वाली उनके लिए रिजर्व कर दी और 3 नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी। इस असेंबली में ये 23 सीट्स हैं। इसके अलावा जो केपी के असम्बली में है वहाँ 21 वामिन की सीट्स है, पंजाब असम्बली में हमारे 24 एमपीए की सीट्स है और नॉन मुस्लिम की सिंध असम्बली में 2 वामिन की सीट्स है। केपी के में 21, पंजाब में 24 और सिंध असम्बली में 2 नाम, ये टोटल स्पीकर साहब 47 सीटें बनती है। हमारी 8 नॉन मुस्लिम्स की बनती है प्रोविंशियल असम्बलीज में। इस पे जो पिटीशन का जिक्र आ रहा है जनाबी स्पीकर, हमने पिटीशन किस तरीके से फाइल की, हमने 4 अप्लाई